हर साल की तरह इस साल भी इंडियन टेली अवार्ड्स अटेंड करने आई हूँ. एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ कस्टम दैट आई हैव टू अटेंड दिस अवार्ड बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड. एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सीइंग लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट इनसाइड, गोना टू मीट लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई हैव बीन ऑल्सो नॉमिनेटेड. सो लेट्स लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स. As always, I'm expecting a lot of fun, a lot of entertainment, a lot of encouragement which one gets while receiving award. Yeah. Thank you so much. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. द फैक्ट दैट आई गॉट नॉमिनेटेड विद पीपल लाइक रसिका दुग्गल एंड शबाना आजमी, दैट्स लाइक अ फीट इन इटसेल्फ. सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. हाँ जी, प्रभास के साथ है तो बहुत ही अच्छा है. एंड क्या चाहते हैं आप, क्या जानना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि राधे श्याम इज़ गोइंग टू बी अ न्यू जॉनरा ऑफ सिनेमा इन इटसेल्फ. एंड आप प्लीज़ उसे 11th ऑफ मार्च पर एंजॉय कीजिए. प्रभास के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा. जैसे मैं हमेशा इंटरव्यू में कहती हूँ कि पहले जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे पता नहीं था उनको डार्लिंग क्यों कहते हैं, लेकिन फिर जब मैं उनसे मिली, उनसे बात की, उनको जाना, उनके साथ शूट किया, तब मैंने जाना कि उनको डार्लिंग इसलिए कहते हैं. या नहीं, कभी नहीं, मैं उन्हें सर बुलाती हूँ. हाँ जी, वो मेरे सीनियर है तो ऑफ कोर्स मैं रिस्पेक्ट करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू. हेलो देयर, हाय. I'm here because I'm nominated for best supporting actress for a film called Chori. So I'm in nominations mein hu, so I've come for that. Umeed nahi, hum to masti ke liye aate hain. Audience appreciation bahut hai, award ke liye nomination bahut achhi cheez hai, and I like the atmosphere, so I'm here. Thanks. Getting the award. Hi. I am expecting to enjoy tonight क्योंकि you know, एक दो साल के बाद all the industry people are coming together and my show is nominated in 4 categories. हमारे production house की 8 nominations हैं. मेरा show nominated है, so I'm very happy. जय कन्हैया लाल की. So yeah, I'm expecting an award for that also. Yeah.
इट्स द ऑडियंसेस ब्लेसिंग्स, इट्स कृष्णाज ब्लेसिंग्स. ये एक ऐसा शो है जो हमेशा से पसंद किया जाता है, एंड स्वास्तिक आर प्रोडक्शन हाउस इज नोन फॉर सच शोज, एंड दे मास्टर्ड द आर्ट ऑफ यू नो शोइंग माइथोलॉजी इन अ वेरी डिफरेंट वे, इन अ वेरी फ्रेश एंड मॉडर्न वे. तो ये जो हमारा शो है वो उसी तरीके का एक एग्जाम्पल है, एंड आई गेस इट्स जस्ट अर्नेस्ट वर्क एंड ऑल द एफर्ट्स ऑफ आर होल टीम. हमारी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत करती है. इफ़ यू एवर कम टू आर सेट, प्लीज़ कम ऑन आर सेट एंड सी कि कितनी मेहनत लगती है एक एक शॉट निकालने के लिए. आर डायरेक्टर, आर टीम ऑफ असिस्टेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स, आर होल कास्ट, और हमारी छोटी सी कान्हा तो है ही, हेज़ल. शी इज़ वेरी क्यूट एंड वेन एवर शी इज़ देयर एंड हम उसके साथ सीन्स कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली द मैजिक हैपन्स. थैंक यू सो मच, इन्जॉय. थैंक यू. हाय बेबी, हाय. बिल्कुल आईटा अवार्ड के लिए डेफिनेटली मैंने, आई एम सो एक्साइटेड एंड आई होप के ऑफ कोर्स मुझे भी एंटरटेनमेंट के अवार्ड आजकल बहुत मिल रहे हैं. आई होप कि मुझे भी एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिले. नॉमिनेशन में भी नाम है तो डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना. और आज मैं एकदम गुलाब बनकर आई हूँ. मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे पीछे कोई भौरे ना आ जाए, यू नो. और क्योंकि मुझ में इतना शहद है, इतना शहद है, तो भौरे मुझे देखकर मेरा शहद खाने ना आ जाए, यू नो. दिस देखिए, बहुत सारे आर्टिस्ट एंटरटेनर है लेकिन सबका अलग जोन है एंटरटेनिंग का. मेरा अलग जोन है एंटरटेनिंग का, और पीपल दे लव मी. मेरा एंटरटेनमेंट में एकदम मेरा एंटरटेनमेंट जो है वो हॉलीवुड स्टाइल का है. मैं बॉलीवुड में रहकर हॉलीवुड स्टाइल में अपनाती हूँ. मेरे बाद पहले मैं खुली हूँ, मेरे बाद सब खुले हैं, अच्छी बात है. और अब मेरी तरह ही बिंदास सब लोग एंटरटेनमेंट करते हैं तो अच्छी बात है. मैं सबके रोल मॉडल हूँ. और हाँ, कार्डी बी एंड काइली एंड जितने भी किम कर्दाशियन सब लोग हैं, दे ऑल फॉलो मी
यू नो मैं वो सब राखी सावंत को फॉलो करते हैं इंस्टा पे एवरीवेयर. सो एवरीबडी नो बॉलीवुड नाम जानते हैं तो बोलते ओ राखी सावंत, ओ आई लाइक हर, एंड वो बिल्कुल मुझे फॉलो करते द ऑल इंटरनेशनल हॉलीवुड की यू नो एंटरटेनर. इंडस्ट्री में आज किसी को अवार्ड मिलना चाहिए, आईटा अवार्ड तो फॉर मी एंटरटेनमेंट के लिए एंड फॉर माय लुक्स एंड फॉर माय बोल्डनेस एंड ऑफ कोर्स कि मैं इतने 15 इयर्स से आई एम इन द इंडस्ट्री. अवार्ड छोटा हो या बड़ा हो, अवार्ड अवार्ड होता है एंड अवार्ड मिलता है तो एक हिम्मत आती है. दैट्स इट. मेरा लुक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू वांट टू से आज मेरा लुक. So today her look is derived from the Titanic film. She turned out to be a rose. आज real rose बन के आई. आज मैं Titanic film की rose बनकर आई हूँ क्योंकि Hollywood में rose को Hollywood की film से निकाल के मुझे लिया गया है. So real rose तो मैं हूँ. कोई शक? नहीं कोई शक है तो बता दो, मैं तुम्हारे doubt. तो क्या अब मैं award के लिए जा सकती हूँ? Thank you. लाइट आ रही है पीछे. हाँ चलो चलो चलो. बाइट्स यार पारस कम बाइट्स है. यस कम कम कम. Extremely excited. Our show is nominated. Anupama nominate hua hai for the best show award. And hopefully we should win. It's been a year. We are doing fabulous on Indian television. More than a year. And we are very much excited because we are getting a good response from the audience. They are loving the show. And all of us, the entire team has worked really, really, really hard to, you know, entertain the audience. And we are hoping to get back, you know, come back with lots and lots of awards. Absolutely. No, I'm saying exactly, it feels amazing to be a part of a show that has been recognized on such an amazing level. Yeah. And now we're all here together at the AITA Awards. So I think this is the perfect platform to be recognized. So of course, it's a great feeling to be here. हम मैं तो यहाँ पे एंटरटेन होने आई हूँ. आई एम गोना एंजॉय द शो. चिल रिलैक्स. जो अवार्ड जीतेगा उसको चीयर करना है एंड जस्ट गो होम हैप्पी. एंड या रूपाली मैम इज नॉमिनेटेड. या या सुधांशु जी बाय इज नॉमिनेटेड. जो भी जीतेगा हमारी जीत होगी. या वी आर हियर टू हूट फॉर देम. यस यस डेफिनेटली. होपफुली दे आल्सो विल. या फिंगर्स क्रॉस. थैंक यू. बाय. थैंक यू. क्या बोलूं? Just come now, we'll do it together. Thank you. What did you say? Very excited to see the awards, very, very nice. And Shruti ki so beautiful, right? Thank you, you're looking too handsome. But loving the present so far, it's been really well and really enjoying. I think it'll be a nice evening. What do you think? Same thing? Yeah, exactly. Same ditto copy. So excited to be in ITA Awards, 21st ITA Awards. बहुत लंबा सफर रहा है. And you know, very beautifully everybody is growing. So you know, with God's grace, everything just keeps like that. Congratulations to all the awardees who get the awards. Yeah. Thank you. Shows. बहुत ज़्यादा शोज़ के बारे में मुझे नहीं पता, बट देर आर फ्यू शोज विच आर डूइंग वेरी गुड. जैसे अनुपमा इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड. एंड आई थिंक ये रिश्ता क्या कहलाता है इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड. एंड आई गेस मैनी अदर शोज़ लाइक यू नो. एंड काफ़ी अवार्ड्स भी मिलने वाले हैं. इवन आई एम प्रेजेंटिंग टू समबडी. सो लेट्स सी. एक्साइटेड. हाउ आर यू?
I've not been able to keep up with these, you know, different parts of Ishq Mein Mar Jaawa, but I'm very happy that at least, you know, people are watching it, and that's also one of the reasons why they are keep getting another parts of it, and it's a franchisee now, so I feel very proud to be associated to it. Thank you. Done? Hi, how are you? Yeah, first of all, congratulations to Anu and Shashi Ranjan for 21st AITA Award. And I'm very happy after lockdown, I'm seeing all my friends and we are back to square one and back to normal life. So all the best to all the nominees and awardees, and thank you so much. जी मैंने एक्चुअली परफॉर्म शिव जी के रूप को धारण करके परफॉर्म किया है. समुद्र मंथन का एक पोर्शन हम लोगों ने किया है और मैं शिव की आराधना करता हूँ तो थोड़ा नर्वस था क्योंकि शिव जी मेरे आराध्य हैं तो उनका ही रूप धारण करके परफॉर्म करना थोड़ा सा मुझे नर्वस करता है क्योंकि मैं खुद को शिव के रूप में देखना मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही थी. बट बहुत अच्छा हुआ है और आई एम होपिंग दैट व्हेन पीपल सी इट ऑन स्क्रीन दे विल लाइक इट. देखिए नॉमिनेशन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग रिकग्निशन. मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और हमें नॉमिनेट किया जाता है एक अवार्ड में, तो वो अपने आप में एक रिकग्निशन होता है. तो आई एम वेरी हैप्पी और बाकी इफ गॉड विलिंग वट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट. वट एवर विल हैपन फॉर द बेस्ट. आई थिंक हमारा जो शो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाता है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमको अपने आने वाली जनरेशन्स को और जो करंट जनरेशन है, जो ग्रोइंग अप जनरेशन है, उनको भी हमेशा कंटिन्यूसली एजुकेट करते रहना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि वुमेन या जो 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 भी औरतें हमारी ज़िंदगी में होती हैं वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट और हमारी ज़िंदगी में उनका क्या पोजीशन होता है ये उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है. तो आई थिंक होपफुली विथ शोज़ लाइक आर्स एंड लॉट ऑफ अदर पीपल हु मेक वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स पीपल गेट द मैसेजेस एंड अ लॉट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अ लॉट ऑफ अदर बायसेस अगेंस्ट वुमेन विल रिड्यूस. Oh,
ITA itself is very special. I think so 21 years complete की है और इतनी consistency, इतनी शिद्दत के साथ हमेशा हर किसी को साथ लेकर चलना. I think it's not easy. So Shashi Ranjan ji, Anu Ranjan ji, I would just say that के I think another 4 years silver jubilee मनाएंगे सब. मेरे गाने तो आप जब देखेंगे तब आई थिंक लेट इट बी सरप्राइज ओनली जब परफॉर्म करूंगी. लेट देम सी जो करने जा रही हूँ. वुमेन्स डे पे आई थिंक एवरीवन इज टॉकिंग एंड एवरीवन थिंक्स दैट के वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई जस्ट वांट टू से दैट के बदलाव लाना, बदलाव कहना, बदलाव और की कहानी बताने से नहीं होता. आई थिंक बदलाव सबको दिख रहा है और आई लव द वे पीपल आर चेंजिंग देयर थॉट्स. थैंक यू. नथिंग, आई वाज लिटिल हैप्पी. आई थिंक After such a difficult time, hum sab, I think this will be my first red carpet like this and I'm very excited. Main bahut khushi se sat savar kar aayi hu, so thank you. सनफ्लावर की मैं क्या तारीफ करूं, शी इज लुकिंग फैबुलस. ये खुद ही अवार्ड बन के आई है. शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आई एम मैनेजिंग टू कोप अप टू दैट. बस हम रूपाली मैम और गौरव का डांस देखने आए. डांस देखने एक्चुअली और होपफुली अनुपमा इज गोना विन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. या होपिंग दैट. थैंक यू फॉर दैट. मेरी तो एग्जिट हो गई है, आप ही बताएं. नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसी बोल रही है कि इसकी एग्जिट हो गई. अभी मुक्कू दोबारा आएगी और कुछ तूफान मचाएगी. एंड तोशु की लाइफ में क्या हो रहा है तो जानते ही हैं. उसको बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ी दुविधा है जिसमें वो अटका हुआ है. सो लेट्स सी, ही हैज हिज ओन ओपिनियन अबाउट दैट. आई थिंक थैंक यू सो मच गाइज. आप लोगों ने इतना प्यार दिया अनुपमा को और हर किरदार को. ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए और हम लोग जी जान से मेहनत करते रहेंगे और मुक्कू को दोबारा लेके आ जाएंगे. ठीक है. थैंक यू फॉर ऑल द लव. थैंक यू. थैंक यू. मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ. मैं आई प्लीज, कैन आई आस्क माई डैड टू जॉइन मी. हाँ जी, नमस्ते. ये उसके मेहनत का नतीजा है कि वो बहुत ही मेहनत करता है और बड़े तह दिल से उसको निभाता है. तो अपने आप से लोग भी उसके प्यार करते हैं, उसको उसके कला को निहारते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि उसके मेहनत का फल उसको मिल रहा है. और हमें भी बहुत आनंद होता है. हम भी गर्वान्वित महसूस करते हैं इस बारे में. बहुत गर्व होता है. मेरे डैड का फर्स्ट टाइम यहां पे, सो ही इज लाइक अनकॉन्शियस. नहीं, काना के रूप में तो बहुत ही अच्छा नटखट है. नटखट रूप तो उनसे पहले से है, पैदाइशी नटखट है, तो बहुत अच्छा लगता है. और उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है रोल, तो लोग बहुत पसंद करते हैं इस रोल. आप
आईटी अवार्ड्स को लेके मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी वेलकमिंग वाइब होता है यहाँ पे, बहुत प्यार देते हैं लोग यहाँ पे, सो इट्स ऑलवेज गुड। सो इस बार भी यही है, नॉमिनेशंस हैं हमारी टीम के लिए, हमारे मेरे को एक्टर्स के लिए, मेरे लिए, सो आई एम हियर एंड आई एम नो द बेस्ट पर्सन विल विन एंड आई एम हियर टू रूट फॉर इट। नेक्स्ट क्या देखेंगे मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, जब उचित समय आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। देर आर सम थिंग्स विच आर लाइंड अप, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। थैंक यू। कोई बात नहीं, जी मेरा बस चले तो मैं अभी बता दूं, लेकिन आई थिंक दैट्स समथिंग दैट द प्लेटफॉर्म एंड बानी जे एशिया शुड से, बट द गुड थिंग इज दैट द शो हैज़ डन वेरी वेरी वेल और आप लोगों ने देखा है, सराहा है, अप्रिशिएट किया, आज नॉमिनेटेड है, कई कैटेगरीज में नॉमिनेटेड है मत्स्यकांड। लेट्स होप कि आज ट्रॉफी लेके भी जाए मत्स्यकांड अपने साथ में, पूरी टीम अंदर ही है। सो नेक्स्ट मंथ? नहीं, अभी तो वक्त है, अभी तो आई थिंक फिल्मिंग शुरू होते होते अच्छा खासा टाइम लगेगा, अगस्त सितंबर तक फिल्मिंग शुरू होगी। बहुत बड़ी शाम है और सबसे अच्छी बात है, जैसा आप देख रहे हैं, हर कोई, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी, इट्स एन अवार्ड सेरेमनी ऑल ओवर अगेन, द इंडस्ट्री इज गेटिंग टुगेदर, दे एक्साइटेड, दे आर हैप्पी। कोविड टाइम के बाद ये कम देखने को मिलता है, आज देखने को मिल रहा है, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस इवनिंग, आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दिस इवनिंग। ये तो बहुत मेरे ख्याल, नॉट जस्ट मी बट ऑल ऑफ अस, वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द वुमेन इन आवर लाइफ, तो मेरी जिंदगी में भी जो मेरी लाइफ में जो वुमेन हैं, जो औरतें हैं, उनका दे आर द मोस्ट पिवोटल फैक्टर्स इन माई लाइफ, चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरी मदर इन लॉ सरगुन की मदर हो, तो बिकॉज ऑफ आई हैव टू मदर्स एंड थैंकफुली वन वाइफ, सो दीज आर द मोस्ट पिवोटल फैक्टर्स, मोस्ट पिवोटल पीपल इन माई लाइफ, सो आई ओ इट ऑल टू देम। ठीक है, गुड नाइट। Bye, yeah. Hi. Come here, bye. Come. Let me see. Photo. Hello. Hello. अच्छा कहाँ हैं बाकी के लोग, कहाँ अपने? क्या करना है? वेल आईटीए से हमेशा एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, आज की शाम में हम सब नॉमिनेट हो गए हैं, यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब नॉमिनेट हुए हैं, वागड़े की दुनिया बड़ी तादाद में नॉमिनेट हुआ है, सो वी आर होपिंग टू कैरी सम अवार्ड्स होम। यस, एक्टर, एक्ट्रेस, पॉपुलर एक्टर, बेस्ट शो, आई थिंक हर कैटेगरी में एक नॉमिनेशन, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ डाल दिया सब।
टाइम ही नहीं मिलता हमें. हाँ सीरियसली हम अपना भी शो नहीं देख पाते हैं तो हम. थैंक यू गाइज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. Hello, hi, hi, hi. Like always, very excited to be here because Shashi and Anuji's award. So very excited, and I can already see the buzz. And सब जानते ही है कि पिछले दो साल में कैसा रहा है माहौल. तो बहुत मज़ा आ रहा है एक इवेंट अटेंड करने का के लिए, और तैयार होने का मौका मिला है. तो आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट शो. मनीष इज़ होस्टिंग और हमेशा की तरह फुल ऑन धमाल एंटरटेनमेंट होगा. आई एम नॉमिनेटेड टू, सो या आई मीन माई मेन कंसर्न इज़ टू इन्जॉय द अवॉर्ड एंड हैव फन. आई थिंक ऑफकोर्स बहुत मोटिवेटिंग है, बट लाइक आई से दैट मैं अवार्ड्स काउंट नहीं करती बिकॉज यू नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स हुआ डिजर्विंग ऑल्सो कभी कभी यू नो दे डोंट गेट इट, बट डेफिनेटली इट्स अ बिग मोटिवेशन एंड यू फील के एक बहुत बूस्ट है ऑडियंस की तरफ से दैट दे आर लाइकिंग योर वर्क. मुझे तो लगता है मेरे लिए नॉमिनेट होना ही एक बूस्ट जैसा है. सो या इट्स ऑफकोर्स इट्स ग्रेट. आई वुडंट लाइ, आई लव टू बी एट यू नो अवार्ड इवेंट्स एंड टू गेट नॉमिनेटेड इज जस्ट द आइसिंग ऑन द केक. सो सो आई ट्राई टू वॉच ऑल माई फ्रेंड्स शोज, एंड ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत सारे शोज कर रहे हैं. आई वॉच अनुपमा एंड या that is one show I watch. Look, so red is my favorite color, and I'm wearing like a tube sequence gown by label Ambrosia. And yeah, simple hai, minimal hai. Like I said, ki I like to wear colors which make me feel confident. And yeah, it's a simple, basic, no fuss gown. So. यू नो मैंने इतने बार ये सब कहा है, यू नो वी स्पोकन अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब इतना ज़्यादा बोल चुकी हूँ. आई फील वी डोंट रियली नीड दैट एनी मोर, एंड जस्ट लेट अस बी. आई थिंक दैट्स ऑल, एंड मोर पावर टू वुमेन. आई थिंक हर क्षेत्र में हम बहुत अच्छा कर रही हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ कह के वो कम नहीं करना चाहती. सो या ग्रेट गोइंग, थैंक यू, थैंक्स.
बहुत ज़्यादा, ये मेरे घर की, अब तो मेरे घर का अवार्ड्स है, आपको तो पता ही है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। बस मैं आया हूँ कि बहुत टाइम के बाद वापस से ऐसी बड़ी गैदरिंग हुई है, तो बस उसी बात की बड़ी खुशी है मुझे दैट फाइनली एवरीथिंग हैज स्टार्ट बैक अगेन, तो आई एम हियर टू शो माय सपोर्ट। क्या 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 आप ही ने बहुत सारे खुलासे किए थे वो दिन पे, हाँ अभी आप देखना एक और, मैं एक और सॉन्ग अभी आएगा और फिर उसके बाद एक फिल्म शुरू करने वाला हूँ मैं एंड ऑफ मार्च, तो वो है। इस साल भी नॉमिनेशन है, बट आई जस्ट कम हियर विद ओपन माइंड एंड टू एंजॉय द फैक्ट दैट मैं अवार्ड फंक्शन में आई हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई लव द फैक्ट कि आई टी ए बहुत अच्छे से हर चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अवार्ड नाइट। थैंक यू, बस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने तारीफ कर दिया बहुत है, थैंक यू। मैं तो वुमेन हूँ, आप लोगों को कुछ कहना चाहिए विमेंस डे के टाइम पे, यू गाइस शुड बी द फ्लैग बेयरर ऑफ विमेंस डे। मैं नेटफ्लिक्स बहुत देखती हूँ यार एंड कोरियन ड्रामास में बहुत देखती हूँ एंड सो या अदर देन दैट मैं रियलिटी शोज़ में आई गेस बिग बॉस में फॉलो करती थी जब भी वो आता है जब मैं बिग बॉस फॉलो करती हूँ, बट अदर देन दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू नो नेटफ्लिक्स एंड कोरियन ड्रामास, आई कीप वॉचिंग कोरियन ड्रामास और स्पेनिश शोज एंड in the Big Boss show it's very difficult I know because 24 hours cameras ke samne rehna bahut mushkil hota hai। I enjoy watching the show
I don't know how much I'll be a good, if I'm going to be a good contestant or not. But let's see, who knows about the future. Thank you so much. Thank you. Thank you. हाँ बिल्कुल, आईटीए सबसे पहला अवार्ड है टेलीविज़न का, तो वाकई में 21वां साल है तो सबसे पहला अवार्ड है। और इतने सालों से तारक मेहता को बहुत सारे अवार्ड मिलते आ रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे जो ऑडियंस है, जो फैंस हैं। इस 28 जुलाई को 14 साल पूरे होंगे, फिर भी लोग इतना हमें चाह रहे हैं, इस कैरेक्टर को चाह रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं, मैं तो बस नॉमिनेट हुआ हूँ तो मैं आ गया हूँ, और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। फ्रेंकली अभी क्या है, मंडे टू सैटरडे हो गया है, तो अभी शूटिंग इतना बढ़ गया कि और कोई टेलीविज़न देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। थैंक यू। बहुत ज़्यादा, ये मेरे घर की, अब तो मेरे घर का अवार्ड्स है, आपको तो पता ही है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर।
बस मैं आया हूँ कि बहुत टाइम के बाद वापस से ऐसी बड़ी गैदरिंग हुई है, तो बस उसी बात की बड़ी खुशी है मुझे दैट फाइनली एवरीथिंग हैज स्टार्ट बैक अगेन. तो आई एम हियर टू शो माय सपोर्ट. क्या 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 आप ही ने बहुत सारे खुलासे किए थे वो दिन पे. हाँ अभी आप देखना एक और मैं एक और सॉन्ग अभी आएगा और फिर उसके बाद एक फिल्म शुरू करने वाला हूँ मैं एंड ऑफ मार्च. तो वो है me and I was nominated last year and I got the award for the first time. I believe it was the 20th anniversary. Is saal bhi nomination hai but I just come here with open mind and to enjoy the fact that main award function mein aayi hu and I'm looking forward to it. I love the fact ki ITA bahut acche se har cheez organize karte hain. I'm looking forward to this award night. Thank you. Bas thank you so much. Aap log ne tareef kar di hai bahut. Thank you. मैं तो वुमेन हूँ, आप लोगों को कुछ कहना चाहिए विमेंस डे के टाइम पे. यू गाइस शुड बी द फ्लैग बेयरर ऑफ विमेंस डे. मैं नेटफ्लिक्स बहुत देखती हूँ यार एंड कोरियन ड्रामास में बहुत देखती हूँ एंड सो या अदर देन दैट मैं रियलिटी शोज में आई गेस बिग बॉस में फॉलो करती थी जब भी वो आता है जब मैं बिग बॉस फॉलो करती हूँ. बट अदर देन दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू नो नेटफ्लिक्स एंड कोरियन ड्रामा सो आई कीप वॉचिंग कोरियन ड्रामाज और स्पेनिश शोज एंड in the Big Boss show it's very difficult I know because 24 hours cameras ke samne rehna bahut mushkil hota hai. I enjoy watching the show. I don't know how much I'll be a good if I'm going to be a good contestant or not, but let's see, who knows about the future. Thank you so much. Thank you हाँ बिल्कुल. ITA सबसे पहला अवार्ड है टेलीविज़न का, तो वाकई में 21वां साल है तो सबसे पहला अवार्ड है और इतने सालों से तारक मेहता को बहुत सारे अवार्ड मिलते आ रहे हैं
तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे जो ऑडियंस है, जो फैंस हैं। इस 28 जुलाई को 14 साल पूरे होंगे, फिर भी लोग इतना हमें चाह रहे हैं, इस कैरेक्टर को चाह रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं, मैं तो बस नॉमिनेट हुआ हूँ तो मैं आ गया हूँ और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। फ्रेंकली अभी क्या है, मंडे टू सैटरडे हो गया है तो अभी शूटिंग इतना बढ़ गया कि और कुछ टेलीविजन देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। थैंक यू। सेकंड मार पे है सेंडर। थैंक यू। अभी यहाँ पे रवि भाई आपका राइट सामने ऊपर अभी आप सेकंड मार्क भी है, सेकंड मार्क भी है। लुक सेंटर सामने देखिए। यो 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 थैंक यू। अलका जी राइट में, अलका जी राइट में, अलका जी राइट में, अलका मैम सेंटर यहां पे आपके राइट मैम, आपके राइट अलका जी आपके राइट मैम, सेकंड मार्क सेकंड। हां ये मैडम सेंटर में देखिए, अलका मैम लुक किया, अलका जी राइट, अलका जी सेंटर में देखिए। सर आपके राइट में देखिए सब लोग, सर सर सीट लगे राइट में, सर साथ में, साथ में सर साथ में, अरे बुलाने दो। यो यो राइट, यो यो सर लुक गया, यो यो मैम समर होता भी समर लुक गया, राइट राइट आपके राइट में। थैंक यू बिग फैन, ए जा रे फोटो चाहिए ना तेरे को।
ऐसा दिखेगा घर पे ही है भैया जी साथ में। अरे भैया जी साथ में सर सर यहाँ देखिए जरा मोबाइल अब यहाँ देखिए सर सर अभी राइट में मैडम जी देखिए राइट इधर है डायलॉग वाले इधर अरे इधर माइक लगा इधर आग लगा दिया भाई यो राइट में देखिए थैंक यू सर थोड़ा शिफ्ट हो जाइए राइट में थैंक यू जल्दी राइट दे देखिए राइट में राइट ऑल ऑफ यू लुक राइट में देखिए राइट में मैडम जी राइट में मैडम माइक इधर है थैंक यू आदित्य राइट में आपके आदित्य राइट हो आपका राइट रुकिए राइट बोलते भी आदित्य फील्ड राइट हो ये सर अभी सेकंड यहाँ पर नेक्स्ट मार्क अरे गिर नहीं जाएंगे अभी पैर रखे आगे अजय साइड अभी रात ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर लेफ्ट सेंटर में देखिए सेंटर में सेंटर में देखिए सेंटर में बबीता जी आपके राइट बबीता जी राइट में आपके राइट बबीता जी राइट बबीता जी राइट बबीता जी यहाँ पर ऊपर आप
प्रोजेक्ट हुआ फोन में गया बंदे सेकंड मार्क हमारा कोई नहीं गया ना नहीं बबीता जी आपका सामने देखिए बबीता जी सेंटर में बबीता जी अरे भाई दुकान अरे भाई सेंटर गार्डन में घूमना क्या राइट में देखिए राइट में सेंटर सेंटर यो 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 मैडम जी सेंटर सेंटर में देखिए सेंटर में मैडम राइट में मैडम यहाँ यहाँ बुला रहा हूँ मैडम यहाँ यो 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 मैम लुक योर राइट मैडम सेंटर सेंटर यो यो मैडम जी थैंक यू क्या कॉपी करेगा इसमें क्या करेगा सरोज इतना ही सीखा सेंटर में सेंटर में सेंटर में जेठा जी आपके राइट में जेठा जी सामने जाइए जेठा जी जेठा जी टप्पू टप्पू बबीता जी जेठा जी सरोज जी पांडे जी हल्ला मत करो यार बबीता जी सेंटर सर रुकिए सर सामने देखिए सर बोलो जुबा केसरी बोलो जुबा केसरी सर सर सामने देखिए सामने कम क्लोज अरे पासिंग बंद कराओ यार प्लीज Just a walk? Yeah.
मैं तो बस ये सोच के आई हूँ कि मैं इंजॉय करने वाली हूँ. आई हैव नथिंग एल्स इन माइंड. आई एम ग्लैड दैट आई एम नॉमिनेटेड विद सच अमेजिंग आर्टिस्ट. मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय. मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि सच में लोगों को शो इतना अच्छा लगा. हाय. So yeah, we still can't believe our show is there in nomination. It's a big thing, and I'm very happy that Shivangi is there in nomination. I'm very much happy for that. यही है कि अभी भी बिलीव नहीं होता यार कि सच में इतना प्यार. But yeah, we are trying to, you know, take it and digest it. Digest it. So this is our first award show, and yeah, first quite happy award for show that. Ever. जी मशहूर बनेगी. अभी तो धीरे धीरे चीजें शुरू हुई है. अभी बातें होंगी. अभी बहुत सारी मीटिंग्स. एक्चुअली नथिंग इज फाइनलाइज्ड, बट या वंस इट्स फाइनलाइज्ड डेफिनेटली वी विल लेट यू नो. दैट्स इट. यस. या प्लीज. क्या वो अब देखिए इक्वालिटी का ज़माना है. अब अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव आई थिंक प्रूवन इट. वी हैव इनफ आर्टिस्ट हु आर प्रूविंग इट ऑलरेडी एवरी डे. वी हैव सच अमेजिंग फिल्म्स. वी हैव गंगूबाई विच इज़ अ वुमेन ड्रिवन फिल्म विच हैज़ डन सो गुड. सो आई थिंक बोलने की अब ज़रूरत नहीं है. वील जस्ट वर्क एंड वील जस्ट शो इट. थैंक यू. कुछ नहीं यार. मैं आई एम नॉट वेरी स्टाइलिश और दिस और दैट. आई जस्ट स्टाइलिश ने लेकर आई बोली पहन लो एंड आई एम लाइक ओके लेट्स गो विद दिस. थैंक यू. आई जस्ट वेंट. मेरा पहला अवार्ड शो है तो आई थॉट आई विल जस्ट गो विद ब्लैक. एंटायर ब्लैक टॉप एंड बॉटम. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक यार काम तो चालू हो गया उस पे, पर अभी शायद लग सकता है थोड़ा वक्त. हाँ नेक्स्ट ईयर, क्योंकि लंबा काम है, काफ़ी तामझाम वाला काम है, तो अच्छे से होना चाहिए जो होना चाहिए. बट इस साल और भी कुछ आ रहा है तो बताऊंगा बाद में. बट ये यूट्यूब पे नहीं होगा वो जो आ रहा है, तो एक्साइटिंग तो है. सीरीज है. हाँ है. सही है. अच्छा है. थ्रिलर. हाँ. कुछ नहीं यार, मैं तो आज ही आया मुंबई और ITA का शुक्रिया कि यहाँ मुझे बुलाया. और काफ़ी मज़ेदार, बहुत मज़ेदार शाम है. अभी चल ही रहा है, कृष्णा भाई की आवाज़ आ रही है वहाँ से, तो एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए. कुछ नहीं यार, अभी काम करते रहेंगे तो और लोग जानते रहेंगे, तो बस वही रुकना नहीं चाहिए कभी. बाकी तो सब सही है. थैंक यू दोस्त. Super dancer.
support. Keep the note for Super Dad support. नॉमिनेशन है आज, परफॉर्मेंस है आज, और इतना बड़े शो का हिस्सा हूँ तो मुझे ऐसा था कि मैं अपनी लाइफ पार्टनर आकांक्षा के साथ यहाँ पे आऊँ, एंड सब लोग जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है, तो अभी आगे एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस होना है मेरा और रूपाली का, एंड नॉमिनेशन है पॉपुलर में, देखते हैं। आई जनरली पर्सनली मुझे मेरा ये मानना है कि लोगों का प्यार ही अवार्ड है, और I'm absolutely fine. अगर जिसको भी मिले it's absolutely perfect. मैं वही बोल रहा था कि आई एम वेरी थैंकफुल कि अ लॉट ऑफ माई फैंस हैव ऑलवेज बीन स्टक विद मी फॉर लास्ट 18 ईयर्स. आफ्टर 17-18 शोज मुझे अनुपमा जैसा एक शो मिला, और राजन सर ने एक कैरेक्टर दिया अनुज का, एंड बाय टच वुड अनुज इज व्हाट अनुज इज, एंड आई फील कि अवार्ड्स तो आए ना आए, मिले ना मिले, मुझे फ्रैंकली फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेरी व्यूअर, मेरे ऑडियंस मुझसे खुश हैं कि नहीं, एंड दे आर वेरी हैप्पी, और सोशल मीडिया का प्यार इस बात को जाहिर करता है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल, एंड इसीलिए आकांक्षा को भी मैं अपने साथ लाया हूँ, क्योंकि हम लोग अक्सर अवार्ड्स में आते नहीं हैं, और यहाँ पे परफॉर्मेंस के मेरा एक परफॉर्मेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है, लाइव परफॉर्मेंस है आज, तो इसलिए मैं आया हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट माय लवली वाइफ अलोंग विद मी. बस ये ज़्यादा हंसी नहीं मुझे देख के ये बहुत अच्छी डांसर है, मैं नहीं हूँ. अबाउट द लुक, आई एम वेयरिंग अ डिज़ाइनर विवेक गुप्ता, एंड ही इज़ रियली वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, एंड मैं जब भी इवेंट्स पे जाता हूँ मैं आई वेयर व्हाट ही डिज़ाइंस फॉर मी, एंड आई रियली लव हिज स्टाइलिंग, एंड आकांक्षा को किसी स्टाइल की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतनी खूबसूरत है, और मैं अपना डिज़ाइन खुद करती हूँ, मैं अपनी खुद की स्टाइलिस्ट हूँ. तो आई थिंक मुझे थोड़ा सजना पड़ता है जब मैं इसके साथ बाहर आता हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है. यार सर, वुमेन्स डे पे कॉम्प्लीमेंट नहीं देना है, यू शुड कॉम्प्लीमेंट मी लाइक ऑलवेज. व्हाट इज योर पीरियड कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, लाइक स्टैग्नेंट? तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वुमेन्स डे जो है, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में औरतों की बहुत ही ज़्यादा अहमियत रही है. बचपन से माई मॉम हैज़ ब्रॉट मी अप इन अ वेरी स्पेशल वे, उसके बाद माई सिस्टर, एंड नाउ जब से मैं बॉम्बे आया मुझे आकांक्षा जैसी लड़की मिली, एक ऐसी वाइफ मिली जो इतनी सपोर्टिव है, एंड उसके बाद मुझे एक शो मिला जिसका नाम है अनुपमा, वो भी वुमेन सेंट्रिक शो है, और उसके बाद जो मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, जो सोशल मीडिया पे जितने मैसेज आते हैं वो भी मेरे ख्याल से 80% जो हैं वो सब फीमेल्स हैं. सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ऐसी प्यार बनाए रखिए, एंड जो फीमेल एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, सो जस्ट कीप द ब्लेसिंग्स कमिंग, एंड आई होप कि मैं आप सबको खुश कर सकूँ अपने काम से, एंड आकांक्षा आई लव यू बेबी. कॉम्प्लीमेंट, यू've नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, व्हाट कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट ये है कि मैंने आकांक्षा को जब देखा पहली बार और मुझे प्यार हो गया और मैंने इनसे शादी कर ली, और इससे बड़ा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एंड आई फील you should be happy with that. So underrated. Wife, being a wife is so underrated. शादी कर ली मतलब compliment खत्म, हम compliment ही नहीं करेंगे. Very good Gaurav. इसलिए मैं कम आता हूँ awards में. आपने देख ही लिया होगा. चलिए आइए, चलिए. Thank you. Thank you so much. Thank you. Love you all. Thank you.
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आई टी आई में आकर. पहली बार नॉमिनेट हुई हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास दिन है आज. बेस्ट सपोर्टिंग में मुझे नॉमिनेट किया गया है ओरिजिनल फिल्म के लिए. तो बस ये माहौल और सबसे मिलना, अपने इंडस्ट्री के लोगों से मिलना, टेलीविज़न की दुनिया के कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं यहाँ पर, सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. जैसे आज यहाँ पर मुझे नॉमिनेट किया गया है तो आप सोच ही सकते हैं मेरी सफ़र की शुरुआत है. और भी फिल्में कर रही हूँ, और भी डिजिटल अपीयरेंसेस होंगे और टेलीविज़न पे बिल्कुल कॉमेडी करते हुए दिखूँगी मैं, हंसाऊँगी बिल्कुल आप सबको. थैंक यू. हाँ बिल्कुल, देखी सबको देखनी चाहिए भाई, क्यों नहीं देख रहे हो आप लोग? जिन्होंने नहीं देखी देख लो अभी, बहुत ही बढ़िया फिल्म है. और आलिया जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, संजय सर ने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. बहुत कुछ सीखने मिलता है हम लोगों को आर्टिस्ट को इस तरह की फिल्म देखकर. थैंक यू. सेंटर होने दो. हाँ, क्या कहना चाहूंगी? बस कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मेरी मुस्कुराहट ही सब कुछ कह रही है. बस आई थिंक इट्स हम इसी के लिए काम करते हैं. जब प्यार मिलता है तो इट फील्स वेरी रिलीविंग. तो मैं बहुत रिलीव्ड हूँ, मैं ठीक से अभी सो सकती हूँ रात को. तैयार हूँ. हाँ के यहाँ विमेन्स डे को, आई मीन नॉट ओनली विमेन, विमेन मैन बेबीज एवरीबडी शुड गो एंड वॉच द फिल्म. और सिर्फ विमेन्स डे को ही नहीं, हर रोज जाना चाहिए. आज तो संडे है. ओ हेलो 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 हेलो, अरे मैंने तुम्हें इतना प्रमोट किया है गंगूबाई को. सबसे पहले मैंने देखा मैंने और आपका लुक सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे, जो टिकट खरीदने गए तो आउट. मैंने कहा मैं सबसे पहले एडवांस में बुकिंग करूंगी आलिया के. आई लव आलिया गंगूबाई, शी इज द बेस्ट. हां देखी मेरे साथ एक पिक्चर प्लीज, कोई पिक्चर खींचो आलिया के साथ, सुपरस्टार. इधर आ जाओ, इधर आ. अच्छा कितना प्यार करती है मुझे, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ बिग बॉस रियलिटी शो को अवार्ड नहीं मिला. हमको रियलिटी शो को, हम लोग को अवार्ड मिलना चाहिए, हमने कितनी मेहनत करी है. मैं रोते रोते जा रही हूँ, कह रहे कोई तो रोक लो मुझे. राखी
फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर में फायर। हाय कांग्रेचुलेशन। अरे मैं कांग्रेचुलेट बोलूं सर, कांग्रेचुलेशन, बात है सर, कांग्रेचुलेशन। हमने लास्ट ईयर रेड कार्पेट होस्ट भी किया था, प्लस अंदर भी हमने होस्टिंग करी थी, सो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन एंड नाउ हियर वी आर। एंड ऑल्सो वी डिड अ छोटा सा चंक विद मनीष पॉल सर, सो इट वॉज अ रियली फन सेगमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नया सॉन्ग इसी मंथ में आ रहा है, मे बी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, सो यू हैव टू वेट फॉर इट। एंड काफ़ी कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ आने वाली है एवरीबॉडी। यस यस यस, हाँ जी आने वाला है, नेक्स्ट वीक ओनली। यस थैंक यू। हाँ आ जाओ। कैसे हो भाई, क्या चल रहा है? खुश हो? हैप्पी हो? गुड टू सी यू। तुम बहुत मेहनत करते हो यार, तुम हर इवेंट में पहुँचते हो यार, तुम मेरे जैसे हो। वो बहुत ही मतलब प्राइवेट औरत हैं, क्या इंसान हैं, क्या कहें यार। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं नॉमिनेटेड हूँ, मैंने इतने साल मेहनत की है, फिर मैं इतने बड़े फंक्शन में नॉमिनेट हुआ हूँ, बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है, बहुत खुश हूँ। रेड कार्पेट के बारे, अरे यार मुझे ऐसा लगता है कि अभी दुनिया में बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि कोविड ख़त्म हो चुका है, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है अभी, थैंक गॉड। मतलब एक पिछले दो साल डेढ़ साल लॉकडाउन के कारण और कोविड के कारण बहुत सारी मुसीबतें थीं लोगों के दरमियान, लेकिन अभी बहुत बड़ी अलग अलग प्रॉब्लम्स आई हैं अभी तो। अभी जी एक गैस लाइट है, अभी मैं विक्रम भट्ट और महेश भट्ट की फिल्म कर रहा हूँ कोल्ड, भट्ट साहब के साथ काम कर रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। विक्रम भट्ट तो है बहुत ही नामचीन डायरेक्टर, उसके बाद गैस लाइट आएगी जैसे आपने कहा, और ये अभी मैं शूट कर रहा हूँ, कुछ फिल्में हैं, कुछ सीरीज़ हैं जो रिलीज़ पे भी हैं, तो बहुत अच्छा दौर चल रहा है यार, थैंक्स टू डिजिटल, थैंक्स टू दीज इवेंट्स लाइक दिस। यार मुझे लगता है कोल्ड ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर रहे हैं, अभी 10-15 दिन बाकी हैं, दो महीने में आ जानी चाहिए, फिर गैस लाइट उसके बाद तुरंत चालू हो जाएगी, फिर और एक दो तीन फिल्में हैं, तो लगातार चल रहा है काम। Say something that you like in English. Yeah, no, I love everything actually that it does, but maybe Dil Beqrar is my favorite. Dil Beqrar, देखो मैं nominate भी हुआ हूँ Dil Beqrar को और इनको सबसे ज़्यादा वही पसंद है, तो इससे बड़ी बात क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, you know the most important people in my life are women, my wife,
माय मदर, कुछ दोस्तें हैं मेरी कि बहुत ही करीब दोस्ती है, दोस्ती उनके साथ जो औरतें हैं. तो वुमेंस डे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट विद हर एंड विद माई फ्रेंड्स एंड माई मदर. थैंक्स ब्रो, गुड टू सी यू. मेहनत करते रहो तुम यार. लव यू ब्रदर, सी यू. थैंक यू, सी यू. We'll be right back.